अवैकन OS 2.6 का लेटेस्ट अपडेट आ गया है पोको F1 के लिए, और इस अपडेट में आपको कुछ चेंजेस भी मिल जाते हैं, और परफॉर्मेंस एंड बैटरी बैकअप इन सभी में कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा है उसके बारे में भी बताऊंगा, जैसे कि हमेशा आपको बताता हूं। तो देखते हैं इस अपडेट में हमें जो है 2.5 जो पिछला था उसके मुकाबले इसमें क्या क्या चेंजेस मिल जाता है, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो जैसे कि एंड्रॉइड 12.1 है, अवैकन OS का 2.6 बिल्ड मिल जाता है, GApps इंक्लूडर वाला बिल्ड में इंस्टॉल किया है उसके अंदर, और जो सिक्योरिटी पैच हमें यहाँ पे अप्रैल 2022 का देखने को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें इसके कर्नल के बारे में, तो कर्नल आपको यहाँ पे जो है सिल्वर कोर का 10.10 मिलता है, जो कि पिछले में भी सेम ही था, हालांकि इसका वर्जन जो 3.09 दिखा रहा हूँ 3.08 था पिछले में, बाकी सेलिनक्स स्टेटस वैसे इन्फोर्सिंग ही मिल जाता है, तो आपको कर्नल भी वैसे सेम ही मिलने वाला है पहले की तरह ही। अगर हम यहाँ पे चलते हैं सेटिंग्स की तरफ, तो नेटवर्क एंड इंटरनेट में कोई दिक्कत नहीं, पहले की तरह बिल्कुल सारी चीज़ें वर्किंग मिल जाती थी, यहाँ कुछ चेंज नहीं। कनेक्टेड डिवाइस के अंदर भी हमारा कास्ट वर्किंग है। एंड ऐप्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे लॉन्चर तो वैसे आपको पिक्सल लॉन्चर ही मिलेगा, लेकिन जो गेम डैशबोर्ड है ये वापस से ऐड कर दिया गया है, पिछले अपडेट में रिमूव था, ये वापस ऐड किया गया है। बाकी अगर हम बात करें इसके असिस्टेंट के बारे में, तो ये बिल्कुल वर्किंग है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एंड नोटिफिकेशन सेम रहेगा, बैटरी की सेटिंग में भी बिल्कुल भी चेंज आपको नहीं मिलने वाला, बैटरी चार्जिंग लाइट सब सेम है। लेकिन बैटरी बैकअप की बात करें, तो 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 75% बैटरी हमें यहाँ पे मिली है, और पिछले में 74 था बैटरी, यानी कि आपकी जो पिछले अपडेट में जैसी थी उसी टाइप से देखने को मिल जाएगी। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं इसके साउंड की तरफ, तो साउंड के अंदर एक भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलता, मीडिया प्लेयर जो कि लेआउट है वो पहले वाला रहेगा, पिछले में दिखाया था जो, तो ये सब कुछ सेम है, यहाँ पे कुछ भी चेंज हमें देखने को फिलहाल इस अपडेट में नहीं मिलता, सभी वर्किंग है अच्छे से। डिस्प्ले के अंदर अब क्या है कि यहाँ पे एडिप्टिव ब्राइटनेस के नीचे एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन था, जो वापस से यहाँ से मूव कर गया, वापस एसबिलिटी के अंदर मूव कर दिया गया है। लॉक स्क्रीन की सेटिंग में जाओगे तो हालांकि यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं मिलता, तो ये पूरा का पूरा सेम रहने वाला, यहाँ पे एक भी चेंज देखने को नहीं मिलता इस अपडेट के अंदर में। हाँ, थोड़ा नीचे आओगे यहाँ पे, तो इसके नीचे आने के बाद आपका मोनेट तो ऐसे सेम ही रहेगा, मोनेट इंजन यहाँ कुछ चेंज नहीं है, लेकिन नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आने के बाद डिस्प्ले जो कस्टमाइजेशन दिया गया है इसके अंदर एक चेंज आपको मिलता है। तो बैटरी वोटी सब सेम रहेगा, हालांकि आपका जो स्टेटस बार आइटम्स इसके अंदर अभी भी जो है वोल्टी आइकन्स नहीं मिलता है, वोल्टी आइकन हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपका थोड़ा सा नीचे आने के बाद एक ऑप्शन न्यू मिलने वाला है, वो है यहाँ पे आपका क्विक पुल डाउन का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्विक पुल डाउन ऐड कर दिया गया इसके अंदर में, तो ये आपको अभी फिलहाल इसके अंदर न्यू मिल जाता है, बाकी तो जितने भी ऑप्शन हैं सब पहले वाले रहेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्विक पुल डाउन आपको देखने को मिल जाता है न्यू। और बाहर में ये हाइड जो कि हिडन ऐप्स ये न्यू मिल जाता है, ये पहले नहीं मिलता था हमें, तो डिस्प्ले के अंदर बिल्कुल लास्ट में ये हिडन ऐप्स भी देखने को अब मिलने वाला, जो भी सपोर्टेड एप्लीकेशन उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। एसबिलिटी के अंदर जैसे कि आप देखोगे तो एक्स्ट्रा डिम वापस यहाँ पे ऐड कर दिया गया, जो कि पहले डिस्प्ले पे था पिछले में। और सिक्योरिटी के अंदर फेस अनलॉक ऐप लॉक ये सब जो है पिछले में ही आपको बताया था, तो आपका पिछले की तरह बिल्कुल परफेक्ट काम भी कर रहा है, सेटिंग भी आप देखोगे तो उसी टाइप से मिल जाती थी। यहाँ पे बाहर भी आप देखोगे स्क्रीन लॉक की सेटिंग तो सेम है, हालांकि रिस्पॉन्स आपको तगड़ा ही मिल रहा है जैसा पहले था, तो यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है। और जो फेस अनलॉक है वो बिल्कुल आईआर फेस अनलॉक सपोर्टेड है, तो आप देख सकते हो इसका भी यहाँ पे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलता, तो आप इसे भी आराम से यूज़ कर पाओगे, ये भी बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से काम कर रहा है जैसा पहले काम करता है। और हमारा जो ऐप लॉक है ये भी बिल्कुल अच्छे से काम कर, और सभी ऑप्शंस भी आपको पहले वाले ही मिल जाते हैं, और ये जैसे कि नॉट इनक्रिप्टेड देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम चलते हैं इसके डिजिटल वेलबिंग की तरफ, तो डिजिटल वेलबिंग भी अच्छे से काम कर, वहीं सिस्टम के अंदर जाते लाइव ट्रांसलेट पहले था, लेकिन जेस्चर के अंदर क्विक टैप पिछले में रिमूव कर दिया गया था, लेकिन वापस से अब इसे भी ऐड कर दिया गया, पिछले में ये रिमूव था वापस ऐड कर दिया गया। सिस्टम में जाओगे सेंसिटिविटी सेटिंग में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन न्यू है बैक हाइट का, तो बैक हाइट वाला जो है अपने हिसाब से आप जितना भी यूज़ करते हो एडजस्ट कर लेना, फिलहाल यहाँ पे अब ऐड कर दिया गया। उसी तरीके से 3 बटन के साइड में भी आप देखोगे तो एक सेटिंग मिल जाती है लेआउट चेंज करने के लिए, अगर आप 3 बटन नेविगेशन यूज़ करते हो तो यहाँ से आप लेआउट चेंज कर पाओगे। पहले क्या था कि ये लेआउट की सेटिंग यहाँ पे नहीं मिलती थी, पहले जो है सिर्फ और सिर्फ आपका लेआउट चेंज करने के लिए यहाँ नेविगेशन के जस्ट बाहर में यहीं पर देखने को मिलता था, अब यहाँ पे 3 बटन के बगल में ही दे दिया गया था, ये कि यहाँ पे चेंज मिलता है, और फिर बाहर में आपको जो भी मिलता है यहाँ पे स्वाइप स्क्रीन शॉट हो या बाकी के ऑप्शन सब पहले वाले रहेंगे, यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलती है, पूरे ऑप्शंस आपके पहले वाले रहेंगे, अपडेटर यहीं पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जैसे कि आप डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लें, क्योंकि उसके अंदर से ही आप जो है हाइड नोच कर पाओगे। और गूगल डिस्कवर की बात करें तो ये स्लाइड करने पे अब लैग उतना तो नहीं हो रहा है, साथ साथ स्टेटस बार भी ड्रैग करने पे अब लैग काफ़ी कम हो गया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो 2.9 GB दिखा रहा है, हालांकि यहाँ पे आपका डाटा यूजेस भी देखने को मिलने वाला है, तो ये इसके अंदर अब देखने को मिल जाता है, हालांकि इनमें पॉपअप पे अब जो है थोड़ा सा बेटर पहले से हुआ है,
पहले भी उसे ठीक ठाक ही था, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको देखने को यानी कि मिल रहे इसके अंदर में। हालांकि टाइल्स में आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, टाइल जो पहले थी वही सारी की सारी टाइल्स आपको अभी भी मिल जाती, तो टाइल के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, टाइल्स सभी आपको पहले वाले मिलेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के भी जो ऑप्शन मिलते थे पहले वही आपको मिल जाते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की परफॉर्मेंस एक बार आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मिल रही है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये भी थोड़ा सा बेटर हो गया था, यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत फर्क पता चलने वाला है इसके अंदर में, यानी कि इंप्रूवमेंट इस रोम में हुआ इस बिल्ड के अंदर 2.5 के मुकाबले अगर आप देखते हो। तो वॉल्यूम पैनल में भी चेंज मिलने वाला है, यानी कि अब जो है वॉल्यूम पैनल स्लाइडर तो एक तो स्मूथ है ही, साथ साथ एक्सपेंड भी आप कर पाओगे जो पहले नहीं होता था, तब एक्सपेंड भी करने को दे दिया गया है। और ऐप ओपनिंग ये भी थोड़ी सी बेटर हो चुकी पहले से, और यहाँ पर भी एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि क्या बेटर हुआ, क्योंकि इसके अंदर भी आपको दिखाऊंगा। हालांकि नीचे तो ऑप्शन मिलते हैं वो सेम है, लेकिन टैप करने के बाद जो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन दिया गया है ये तो आपका काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर ही रहा है, लेकिन जो फ्री फॉर्म विंडो दिया गया है उसमें भी पिछले में क्या प्रॉब्लम था कि इसको एडजस्ट करने पे तो हल्का फुल्का लैग इसमें भी करता है, लेकिन क्लोज़ करते टाइम थोड़ा सा टाइम लेता था, उसके बाद क्लोज होता था, लेकिन अभी आप देख सकते हो बिल्कुल इंस्टेंट क्लोज हो जा रहा है। तो ये भी बेटर हो गया है, और साइड में क्लियर ऑल बटन मिल जाएगा, और कॉलिंग के अंदर आपका वही पहले की तरह रहेगा, वॉल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल भी वर्किंग मिल जाता है, ब्लूटूथ ऑडियो मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पे काम कर रहा है, वाईफाई कॉलिंग भी, और जो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग दिया गया है ये भी बिल्कुल वर्किंग मिल जाता है। बस ये कि अलर्ट कर देता है कॉल रिकॉर्डिंग वाला, बाकी तो परफेक्ट सारी चीज़ें काम कर रही है। और यहाँ पे कैमरा भी वही पहले की तरह रहेगा, नॉर्मल वाला ही कैमरा मिलेगा, और जीकेम भी अच्छे से काम कर रहा है, तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी, जीकेम भी अच्छे से काम कर रहा है। बस यहाँ पे आपका जो एफएम है एफएम वही सेम मिल जाता है, बस आइकन यहाँ पे चेंज हो चुका है एफएम का, तो एक चेंज आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और जियो सावन अगर यूज़ करते तो इंस्टॉल कर लेना, काम करता है, और गूगल फोटो के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाता है, तो आप इसका भी यूज़ यहाँ पे कर पाओगे। तो ये बिल्कुल पहले की तरह रहने वाला, तो यहाँ पे आपको हालांकि ऐसा कुछ चेंजेस नहीं मिलता। और जैसे कि मैं यहाँ पे जी एप्स इंक्लूडेड वाला बिल्ड इसका इंस्टॉल किया हूँ, वहीं अगर हम चले प्ले स्टोर की तरफ तो प्ले स्टोर आपका सर्टिफाइड रहेगा जैसे कि पहले था, तो सेफ्टी नेट पास ही आता, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, बैंकिंग आप विदाउट रूट आराम से यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे होल्ड करने पर जैसे कि वॉल पेपर सारे मिलते हैं वो सब मिल जाएंगे, लेकिन जो डिफॉल्ट वॉल पेपर इसके अंदर मिलता है वो आपको लेटेस्ट देखने को मिलने वाला है, पिछले में अलग था लेकिन अभी जो है चेंज हो चुका है, ये आपको अलग देखने को मिल जाता है। हालांकि सेटिंग्स आपको सभी पहले की तरह मिल जाएगी, लेकिन जो वॉल पेपर है आपको यहाँ पे न्यू देखने को मिल जाता है इस अपडेट के अंदर में, तो यहाँ पे ये मिल जाता है। तो हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा ये लोड नहीं ले रहा है, मे भी सारा रिबूट करने के बाद सही से काम करने लग जाए, क्योंकि अभी जो है दिक्कत दे रहा, अभी तक जो है सही से काम कर रहा था। तो ये यानी कि ये वॉल पेपर आपको ऐसे यहाँ पे मिल जाता है न्यू। और विजेट्स में जाते हो तो विजेट्स भी वैसे पहले की तरह मिल जाएगा, सभी लेटेस्ट विजेट्स आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। और एंटूडो स्कोर देखोगे तो 3,02,834 मिल जाता, पिछले में 2,94,000 या 95 के करीब था। और CPU थ्रोटलेट अगर आप देखोगे तो 81% इस बार हमें मिला है, जबकि पिछले में 86% देखने को मिला था। और गीगबेंच इसको इस बार सिंगल में हमें 303 मिला है, मल्टी के अंदर 1049 मिला है, और पिछले में सिंगल था 306 और मल्टी था 1062 देखने को मिला था, जो कि सिमिलर पहले जैसे ही आपको मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आपका जैसे कि गेम डैशबोर्ड वापस से देखने को मिल जाता है यहाँ पे, हालांकि सब कुछ पहले जैसे रहेगा, बस ये पिछले में रिमूव था इस बार वापस ऐड कर दिया गया है। और जो ग्राफिक है वो भी आपको पहले वाली ही देखने को मिल जाएगी, यानी कि HDR एक्स्ट्रा तक देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलने वाला हूँ जैसे कि हमेशा खेलता हूँ। तो गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिमिलर पहले जैसी मिल जाती, बाय डिफॉल्ट कर्नल के साथ अगर आप खेलते हो तो गेमिंग वैसे नॉर्मल रहेगी, अगर आपको थोड़ी बेटर चाहिए तो फिर यहाँ पे कर्नल अगर आप चेंज करते हो तो ज़रूर बेटर मिलेगी, लेकिन डिफॉल्ट के साथ नॉर्मल रहने वाली जैसे कि पहले, तो ज़्यादा बेटर यानी कि उतना तगड़ा भी नहीं मिलेगा। तो यही सारे चेंजेस थे जो कि हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे कि ऐड कर दी गई है, यहाँ पे वापस से ऐड की गई जो पहले रिमूव थी, और ये आपको परफॉर्मेंस या बैटरी के मामले में अगर हम देखें तो सिमिलर देखने को मिल जाता है डिफॉल्ट कर्नल के साथ में आपको। हाँ, एनिमेशन इंप्रूवमेंट ये सब के मामले में थोड़ा बहुत आपको इंप्रूवमेंट ज़रूर मिल जाता है कि पहले से थोड़ा बेटर हो चुका है, इंप्रूवमेंट आपको ज़रूर मिलता है, लेकिन परफॉर्मेंस या बैटरी में देखोगे यानी कि आपका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है और बैटरी है वो सिमिलर सा देखने को मिल जाएगा। तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।